और ऊपर का लुकिंग देखिए, कितनी बढ़िया क्रस्ट जो इसके ऊपर आया है, बहुत ही क्रंची क्रस्ट आया है। ये देखिए मैं आपको ये दिखाती हूँ ये अंदर से कैसा बना है, बहुत ही माउथ वाटरिंग है, ये देखिए बहुत ही यमी फिलिंग है, देख सकते हैं कितना बढ़िया इलास्टिसिटी आई है और सिर्फ हमने इसको तवे पे बनाया है। क्या आपको भी ये देख के लग रहा है कि बच्चे अब टिफिन स्कूल से वापस नहीं लाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल वापस नहीं लाएंगे, बच्चे खाएंगे फटाफट और बच्चों का टिफिन होगा सफाचट। जब आप इसे बनाएंगे तो प्लेट में एक भी पीस नहीं बचेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। तो चलिए शुरू करते हैं झटपट बनने वाला बहुत ही टेस्टी ब्रेड व्हील सैंडविच। सबसे पहले हम लेंगे एक बोल, बोल में मैं लूंगी 3/4 कप के करीब मैंने मोजरेला चीज लिया है, मोजरेला चीज जिसे आप पिज्जा चीज भी बोलते हैं, बच्चों का बड़ा फेवरेट होता है और इससे बनने वाली सभी चीजें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। इसमें हम डालेंगे एक प्याज बारीक कटी हुई, एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक मीडियम साइज की गाजर बारीक कटी हुई। सब्जियां सभी ऑप्शनल हैं, जो भी आप पसंद करते हैं वो यहाँ यूज कर सकते हैं। हम एक पिज्जा की फॉर्म में इस ब्रेड व्हील को बनाएंगे जो बिल्कुल पिज्जा जैसा फ्लेवर देगा। तो जो भी आप पिज्जा में लाइक करते हैं सब्जी, या आपके पास जो भी घर में है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। एक छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ वीवा की पास्ता एंड पिज्जा सॉस, बहुत ही सुपर टेस्टी सॉस होती है। इस सॉस को डालने के बाद आपको अलग अलग कोई भी हर्ब्स, ऑरिगेनो या किसी भी तरीके का इटालियन सीजनिंग डालने की कोई जरूरत नहीं है। और वीवा की इस पास्ता पिज्जा सॉस से आप बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं, जैसे आप बना सकते हैं पिज्जा पराठा, पिज्जा डोसा या किसी भी तरीके का सैंडविच। तो मैं इसमें डालूंगी पास्ता पिज्जा सॉस ऑलमोस्ट 3-4 टेबल स्पून। अब सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास घर में पनीर भी है तो आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा मिक्स बिल्कुल तैयार है और इसका नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको लगे नमक कम है तो आप यहाँ पर अपने स्वाद के अनुसार नमक की मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आपको बनाना है इसको थोड़ा सा और स्पाइसी, तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, बिल्कुल ऑप्शनल है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारी परफेक्ट बिल्कुल मुंह में पानी ले देने वाली मिक्स तैयार हो गया। मैंने यहाँ ली है 6 ब्रेड स्लाइस, आप ब्रेड कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो आप ये व्हाइट सैंडविच ब्रेड ले लें या आटा ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड, कोई भी ब्रेड ली जा सकती है। इसको अच्छा लुक देने के लिए मैं इसको गोल कट कर देती हूँ, जिससे कि इसकी लुकिंग भी अच्छी आएगी, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। कोई भी बड़े साइज का आप ढक्कन ले लें, जिससे हमारी साइड की ब्रेड बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो। बिल्कुल इस तरीके से सभी ब्रेड्स को हम गोल कट कर लेंगे। तो मैंने सभी गोल ब्रेड स्लाइस तैयार कर लिए हैं। अब जो इसके किनारे बचे हैं इसका भी हम यूज करेंगे। इसको मैं एक ग्राइंडिंग जार में डाल करके बिल्कुल इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेती हूँ। और ये लीजिए मैंने ब्रेड क्रम बिल्कुल तैयार कर लिया है पीस करके, इससे सैंडविच में बहुत ही बढ़िया टेक्स्चर आएगा। अब सबसे पहले जो हमने ब्रेड्स अपनी कट की हैं वो लेंगे और स्टफिंग को इस तरीके से फिल करेंगे, चारों तरफ फैला दें। तो इस तरीके से मैंने पूरी फिलिंग को स्प्रेड कर दिया है ब्रेड के ऊपर। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे प्रोसेस चीज, ये जो प्रोसेस चीज मार्केट में मिलता है मैंने वो लिया है। आपके पास अगर मोजरेला चीज है जो मैंने इसमें मिक्स किया है, आप थोड़ा सा इसके ऊपर और लगा दें, जब वो मेल्ट होकर उसका फ्लेवर आएगा सैंडविच में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, बिल्कुल पिज्जा जैसा। तो मैं यहाँ प्रोसेस चीज ले लेती हूँ और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, प्रोसेस चीज या मोजरेला चीज इस तरह ऊपर लगा दें, उसके बाद हम ये स्लाइसिस को इसके ऊपर रखेंगे। और देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं। अब यहाँ मैं ले रही हूँ थोड़ा सा दूध, सिंपल दूध है, नॉर्मल टेम्परेचर पर हल्का सा आप ब्रश लें या फिर आप स्पून से बिल्कुल हल्का सा ब्रश कर दें मिल्क का, इससे बढ़िया गोल्डन कलर आएगा और जो ब्रेड क्रम हमने लिए हैं वो भी इस पर स्टिक हो जाएंगे। अब सैंडविच को हम पलट देंगे और इस साइड भी हल्का सा मिल्क का ब्रश लगाएंगे। अब जो हमने ब्रेड क्रम तैयार किया है आप ब्रेड क्रम लीजिए और जो हमने मिल्क लगाया है उस साइड से इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर दीजिए। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं, आप चाहें तो ना लगाएं। तो लीजिए हमारे सैंडविच हो गए हैं अब बिल्कुल सिकने के लिए तैयार। गैस पर आप एक पैन चढ़ाइए, इसमें आप डालिए घी, बटर या फिर ऑयल, तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हम एक सैंडविच को इस तरह बीच में रखेंगे, ऑयल को आप इस तरीके से थोड़ा सा घुमा दीजिए, मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से गोल्डन बिल्कुल इसको सेक लेंगे। थोड़ा सा ऑयल या घी आप ऊपर डालें,
धीरे से आप इसे टर्न कर दें। वाओ, और ये देखिए कितना बढ़िया इसका गोल्डन कलर आ गया है और चीज भी अंदर बिल्कुल मेल्ट हो गया है। जब आप खाएंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे। और ये देखिए हमारा कितना बढ़िया व्हील सैंडविच तैयार हुआ है, बहुत ही लुकिंग में भी बढ़िया, ऊपर से एकदम क्रंची। इसी तरीके से दूसरा सैंडविच भी हम सेक लेंगे। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे बहुत ही सुपर टेस्टी पिज्जा से भी ज्यादा टेस्टी जबरदस्त व्हील सैंडविच। और ये देखिए जो हमने इसके ऊपर क्रम लगाया था उसकी वजह से इसका ऊपर का लुकिंग देखिए कितनी बढ़िया क्रस्ट जो इसके ऊपर आया है, बहुत ही क्रंची क्रस्ट आया है और पूरा फ्लेवरफुल एकदम वेजीज से भरा हुआ हेल्दी टेस्टी। और ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि इस ब्रेड व्हील सैंडविच की लुकिंग क्या आई है। ये देखिए मैं आपको ये दिखाती हूँ ये अंदर से कैसा बना है, बहुत ही माउथ वाटरिंग है। ये देखिए किस तरीके से इसकी पिज्जा चीज जो हमने इसमें डाली थी वो मेल्ट हुई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही यमी फिलिंग है, सारा आप मोज़रेला चीज देख सकते हैं कितना बढ़िया इलास्टिसिटी आई है और सिर्फ हमने इसको तवे पे बनाया है। और वीवा की पास्ता पिज्जा सॉस आप भी परचेज करना चाहते हैं तो मैंने ऑनलाइन परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या किसी भी सुपर स्टोर या ग्रोसरी स्टोर पर आपको ये इजीली मिल जाएगी। तो देखा आपने कि ब्रेड व्हील सैंडविचेस बनाना कितना आसान है, पिज्जा से बहुत टेस्टी और बनाना भी इन्हें बहुत आसान, बच्चों को ये बहुत भाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये झटपट रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज हमेशा की तरह लाइक करें, सभी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बनी बेल बटन को भी साथ ही प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।